संजय शुक्ला मुंबई के कांदिवली इलाके से एक रिक्शा ड्राइवर अपने बेटे के साथ टीवी देख रहे थे जब अचानक खटखटाने वाले ने खुद का परिचय दिया। सर मैं विशाल भंडारी हंसा ग्रुप टीवी रिसर्च कंपनी से। आपके घर में टीवी मीटर लगाने के लिए मैं कंपनी की तरफ से आपको 400 रुपए दे सकता हूँ। फिर एक और दिलचस्प प्रस्ताव रखा, अगर आप रोज 2 घंटे के लिए बॉक्स सिनेमा चैनल देखोगे तो हर महीने 200 रुपए भी दे सकता हूँ। नहीं भी देखना हो तो कोई बात नहीं, बस टीवी चालू रखिए। इस तरह भंडारी ने कई घरों से ऐसी ही सेटिंग की, कुछ चुने हुए चैनल रोज देखो और पैसे कमाते जाओ। लेकिन कुछ महीनों बाद भंडारी के बॉस नितिन देवकर को कुछ गड़बड़ी लगी। पूछताछ से पता चला, भंडारी हमें हर महीने कुछ चैनल देखने के लिए पैसा दिया करता था। और जब ये पाया गया कि कंपनी नीति के खिलाफ भंडारी ने अपने माता पिता के घर में भी एक मीटर लगवाया था, तब 6 अक्टूबर 2020 के दिन देवकर ने पुलिस में शिकायत की, हमारे कर्मचारी के खिलाफ कृपया FIR दर्ज करें। पुलिस की पूछताछ के दौरान डरे हुए भंडारी ने अपना जुर्म कबूल किया, हाँ मैंने कुछ घरों को कुछ चैनल देखने के लिए पैसे दिए थे। भंडारी ने खुद टीवी चैनलों से रिश्वत खाई और मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर अलग अलग लोगों से हर महीने कुछ 1000 रुपए लिया करता था। तो राजनेताओं और व्यापारियों के हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले को छोड़कर बेचारे साधारण परिवार को दिए गए कुछ 100 रुपए के लिए सब नाटक क्यों? क्योंकि बारोमीटर नाम के इस छोटे से उपकरण के माध्यम से हजारों करोड़ों रुपए के विज्ञापन राजस्व का फैसला किया जाता है। टीवी से इसे जब जोड़ा जाता है तो ब्रॉडकास्टर के ऑडियो में छिपे वाटरमार्क के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि टीवी पर क्या देखा जा रहा है, कब और कितने मिनट के लिए। घर के प्रत्येक सदस्य को एक अनोखा ID और पासवर्ड दिया जाता है और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है कि किसी कार्यक्रम को देखने से पहले उसे हर बार कैसे इस्तेमाल किया जाए। हर हफ्ते भौतिक रूप से उन घरों की जानकारी एकत्रित की जाती है जहां BARC ब्रॉडकास्ट ऑडियो रिसर्च काउंसिल का बारोमीटर उपस्थित है और उसका विश्लेषण होता है। बार्क यानी BARC एक स्वतंत्र एजेंसी है जो प्रसारकों, विज्ञापन दाताओं और विज्ञापन एजेंसियों जैसे मीडिया के क्षेत्र से विभिन्न हितधारकों ने बनाई है। इस डेटा के आधार पर अपनी वेबसाइट पर TRP या टेलीविजन रेटिंग पॉइंट अपडेट किए जाते हैं। ब्रॉडकास्टर TRP पर भरोसा करते हैं ये समझने के लिए कि कौन से कार्यक्रम उनके दर्शकों के बीच लोकप्रिय हैं। विज्ञापनदाता TRP पर भरोसा करते हैं ये पता लगाने के लिए कि किस चैनल पर वे विज्ञापन दें। सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल्स पर एडवर्टाइजर्स आकर्षित होते हैं जिनके पिछले साल का कुल खर्च 78,700 करोड़ रुपए था। चलो अब तक तो ये सब ठीक था, लेकिन 2 करोड़ की आबादी वाले मुंबई जैसे शहर में सिर्फ करीबन 2000 बारोमीटर लगाए गए और ये छोटा सा नमूना तय करता है कि पूरे मुंबई में लोग क्या देख रहे हैं। इन 2000 में से सिर्फ 30 निर्धारित करते हैं कि अंग्रेजी समाचारों को कितने लोग देख रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी न्यूज देखने वाले कुल टीवी दर्शक का बहुत छोटा हिस्सा बनते हैं। सामान्य मनोरंजन चैनलों के विपरीत जैसे कि कलर्स, स्टार या सोनी, जिसे बहुत सारे लोग देखते हैं, इसलिए अंग्रेजी समाचार दर्शकों की संख्या का निर्धारण करने के लिए 30 घरों में से अगर सिर्फ 4 या 5 में हेरफेर किया जाए तो डेटा में भारी उछाल हासिल की जा सकती है जो विज्ञापन राजस्व की बाढ़ ला सकती है। इतनी छोटी मेहनत में इतना बड़ा लाभ जब मिले तो उन घरानों को 50 इंच प्लाज्मा TV, विदेशी दोहरा या नकदी जैसे उपहार क्यों ना दें? वैसे BARC बारोमीटर जहां लगाती है उसका घरेलू डेटा गुप्त जरूर रखती है, मगर एक जंजीर की मजबूती उसकी सबसे कमजोर कड़ी पर निर्भर होती है। इस मामले में इंसान जो बैरोमीटर लगाते हैं और जो चैनलों से रिश्वत लेने में सक्षम है, जैसे कि भंडारी ने किया 25,000 रुपए लेकर 10 से 15 घरों के डेटा को तब्दील करने में। मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने जरूरत से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जो उनकी आजकल आदत से बन गई है। हमने TRP में हेरा फेरी करने वाले 3 चैनलों को पकड़ा है, रिपब्लिक TV और 2 मराठी चैनल, बॉक्स सिनेमा और फक्त मराठी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके लिए पुलिस प्रमुख की बाद में मुंबई उच्च न्यायालय ने आलोचना की, पुलिस को किसी मामले से संबंधित कोई जानकारी उजागर नहीं करनी चाहिए। हालांकि इस घोषणा के बाद BARC ने तीनों चैनलों की रेटिंग कई हफ्तों के लिए स्थगित कर दी। 2017 में भी ट्राई ने रिपब्लिक TV पर आरोप लगाया कि उनका चैनल TV गाइड के अलग अलग सेक्शन में कई बार दिखाई देता है, जिससे चैनल को अधिक व्यूज मिलते थे। आरोप ये भी थे कि रिपब्लिक TV ने कुछ केबल नेटवर्क में अपने चैनल को लैंडिंग पेज पर सेट किया था, वो चैनल जो दिखेगा जब सेट टॉप बॉक्स को चालू किया जाएगा, जिससे और भी व्यूज मिलेंगे। कथित तौर पर उन्होंने प्रतिद्वंदी चैनल के ऑडियो के साथ कभी छेड़छाड़ की और कभी तो केबल ऑपरेटरों को रिश्वत देकर उनके नेटवर्क को ही उड़ा दिया। रिपब्लिक TV और अर्णब गोस्वामी पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र सरकार के निशाने में है, पालघर मामले की हत्या से लेकर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या तक।
अर्नब गोस्वामी ने कई बार महाराष्ट्र मुख्यमंत्री की आलोचना की। I'm asking you, the nation is asking you, the people of this country want to know. भले ही गवाहों ने इंडिया टुडे और रिपब्लिक टीवी से पैसे लेने से अपने बयानों को वापस ले लिया, फिर भी मुंबई पुलिस रिपब्लिक टीवी के खिलाफ जाने से रुकी नहीं और सार्वजनिक रूप से गोस्वामी को गिरफ्तार किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब अर्णव को जमानत पर रिहाई दी, यदि ये न्यायालय आज हस्तक्षेप नहीं करता तो ये तय हो जाता कि हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विनाश के मार्ग पर चल रहे हैं। से ऐसा लगा कि रिपब्लिक टीवी की तकलीफें महाराष्ट्र राज्य सरकार के इशारों पर थी, जिसमें अन्य चैनल बलि के बकरे बने। BARC से पहले टैम मीडिया कंपनी थी, जिन पर डेटा हेरफेर का आरोप लगाया गया था और भले ही उन्हें बदल दिया गया, समस्या जारी रही। 2016 में TV9 तेलुगु और V6 न्यूज पर BARC अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था, जबकि 2016 और 2018 में इंडिया न्यूज को अभियुक्त बनाया गया था। भारत में 130 करोड़ लोगों की आबादी और 19.7 करोड़ लोगों के पास टीवी सेट होने के बावजूद TRP की गणना सिर्फ 44,000 घरों के नमूनों पर आधारित की जाती है। अब इसकी तुलना करें अमेरिका के 34.7 करोड़ की आबादी में से 80,000 घरों से जो नमूना लिया जाता है, अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो ये भारत से 8 गुना ज्यादा है। हमारे देश की विशाल संस्कृति, भाषाएं और आर्थिक विविधता के लिए भारत में नमूनों की संख्या पर्याप्त नहीं। इस मुद्दे को नजर में रखते हुए BARC आने वाले वर्षों में नमूने वाले घरों को बढ़ाकर 50,000 और आहिस्ते आहिस्ते 1,00,000 तक कर देगा। लेकिन नमूने का आकार बढ़ाने से समस्या पूरी तरह से सुलझ नहीं सकती। प्रयास ये होना चाहिए कि डिजिटल होकर सबसे कमजोर कड़ी यानी मानव संपर्क को दूर किया जाए। निश्चित रूप से डिजिटल युग में BARC क्यों न एक ऐसा ऐप बनाए जो चैनलों को देखे जाने का सही और स्वचालित रूप से विवरण प्रदान कर सके। बिस्बो की शायरी। 2020 में गर्म रही TRP की बात, कैसे कब किस चैनल को मिली खूब सौगात। TRP की गणना के नहीं है ढंग सटीक, दर्शकों की पसंद का नहीं आकलन ठीक। बिस्बो कहता अब बदले रेटिंग का ये ढंग, चढ़े नहीं सच पर जिसमें कोई झूठा रंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।